सहस्कृति श्लोकां दी आरंभता हो रही। इस लई ए जानकारी देनी जरूरी है कि बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे पाठी इन्हां श्लोकां नूं संस्कृत श्लोक कहिंदे सुनाई देंदे हैं। एक तां ये संस्कृत शब्द नहीं, इत्थे सहस्कृति है, इसलिए ये भुलेखा, ये टपला सानू अपने अंदरों दूर करना चाहिदा। इहदा सरलेख श्लोक सहस्कृति है। प्रिंसीपल साहिब सिंह जी ते होर कुछ विद्वाना ने खोज करके ये दस्या है कि गुरु पातशाह ने उन्हां लोकां लई जेड़े संस्कृत भाषा विच ही समझ सकते सन, उन्हां लई ते आम संगत की सुखैनता लई, क्योंकि ये गल भली भांत सारियां नूं पता है कि जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जीवां दा उधार करन वास्ते कोने कोने विच गए। भाई गुरदास जी ने लिखिया बाबे तारे चार चक, जिहदा मतलब है चौं कुंटां विच गए। ते पुरातन लोकां दा कथन है कि 12 कोह ते बोली बदल जांदी। तो कुदरती गल है कि जदों बाबा जी दूर दुरेडे गए, उन्हां लोकां कोल भी गए जेड़े आम गुरमुखी नूं समझण तों असमर्थ सन, ते ज्ञान उन्हां नूं भी देना सी। इस लई इह सहस्कृति श्लोक जिन्हां दी रचना सब तों पहलां गुरु नानक पातशाह ने कीती और प्राकृत ते पाली बोली दे मिश्रण दे नाल भाव मिक्स करके इस बोली दी रचना कीती गई। इहदे उत्ते संस्कृत दे सारे नियम लागू नहीं हुंदे, पर आम देखण विच आया है कि ना संथा पढ़न पढ़ाउण करके जिहड़े आप बने पाठी ने, जिन्हां नूं असीं अंग्रेजी विच सैल्फ मेड कह सकते हैं, उन्हां ने इहनूं बड़ी कठिन बाणी, औखी बाणी, महंगी बाणी कह के पढ़न तों भी असमर्था जाहर कीती। जो पढ़दे हन तां उचारण गलत करदे ने, ते आम जिहड़े श्रद्धालू माई भाई हन उन्हां लई तां होर भी मुश्किल हो गया। पर यह गल इन्नी मुश्किल नहीं, आओ जरा समझ लईए कि सहस्कृति श्लोकां दे पाठ करदे समय 3-4 बड़े सूक्ष्म नियम हन, उन्हां नूं समझना। पहले पाठ श्रवण करो, फिर तुहानूं उन्हां नियमां दी जानकारी भी दित्ती जाएगी। 1 ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद सलोक सहस्कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिर पूजस बगुल समाधं मुख झूठ बिभूखण सारं त्रैपाल तिहार विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब भोकर निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चय ध्यावै बिन सतगुर बाट न पावे निफलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न भिन्दते सागरं संसारस्य गुरुप्रसादी तरें के
करण कारण समरथ है कहु नानक विचार, कारण करते वस है जिन कल रखी तार। योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं त ब्राह्मण, क्षत्रि शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत, सर्व शब्दं त एक शब्दं। जे को जानस भयो नानक ताको दास है, सोई निरंजन देओ एक कृष्ण त सर्व देवा। देव देवा तयात्म आत्म श्री वासव देवस्य, जे कोई जानस पेव नानक ताको दास है, सोई निरंजन देव। इस श्लोक श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे उच्चारण कीते हुए बनारस के अंदर एक विद्वान पंडित नू उपदेश कीता। चलो उपदेश ता सतगुरु जी दा प्राणी मात्र लई सांझा है, पर इस शब्द के अंदर जो उच्चारण की जानकारी है सब तो पहला उहदे वल ध्यान दिओ। पढ़ दे राले थले एक लकीर है, इस नू विद्वाना दी बोली विच हलंत किया जांदा है। ए हाहे अखर दा चौथा हिस्सा इसलिए है कि इस नू पढ़ नहीं कहना पढ़ कहना, राले नू थोड़ा जिहा भारा करके बोलना क्योंकि पढ़न दी जानकारी दे रहे हैं। अगे है पुस्तक, इहदे पैर विच अद्धा तत्ता है। इसे तरह संध्या बादंग, बादंग दे दद्दे उत्ते जो टिपी है इनू नक विच बोलना है बादंग। संस्कृत वाले विद्वान इसनू बादम पढ़न दा हट कर देने, पर बचपन तो जिन्हां उस्तादां तो पढ़े जिन्हां विद्यार्थियों नू पढ़ाया और जो प्रचलित पाठ है वह बादंग है बादम नहीं। अगे चल के एक होर अक्षर आउंदा है जिस तरह कहो नानक निश्चौ ध्यावै, ये अद्धा यैया है। जे इसका मूँह खब्बे पासे वल खुलदा होवे ते अद्धा हाहा है, जे यैये पासे वल खुल सज्जे पासे वल खुलदा होवे ते अद्धा यैया है। जे इस नियम नू समझ लिया जाए ते इहदा उच्चारण सुखैन हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि इस नू अद्धा यैया करके बोलना है। कहो नानक निश्चौ ध्यावै, इसी तरह नेफलंग तस्य जन्मस्य, तिसदा जन्म तदों तक जन्म निफल है जावद ब्रह्म न भिन्दते, सागरंग संसारस्य गुर प्रसादी तरें के। ये उच्चारण संबंधी मुढ़ली जानकारी है, इसका ध्यान रखना और ये पाठ नू सुन के जे इस ढंग नाल उच्चारण किया जाए तो ये कठिनाई आपे ही हल हो जाएगी और पाठ करन विच आनंद भी आएगा। गुरु नानक पातशाह ने उस ब्राह्मणी सनातनी धर्म दे जो कर्म ने जो उन्हां दी वर्ण वंड है उस संबंधी जानकारी देंदिया अपना फैसला दिता है। आख्या पुस्तकां नूं पढ़ के संध्या करनी, बादंग बैस बैस करने, सिल पूजस मूर्तियां दी पत्थरां दी पूजा करनी, बगले वांगू समाधि लानी, मुख झूठ मूँह विच झूठ पर उन्हूं असलियत दे गहने पहनाने, त्रै पाल तीन पालां वाली गायत्री मंत्र ओम भूर भवा सवा तत्सवितर वरे नियम आदि का पाठ भी करना,
और होर भी सब तरह के धर्म कर्म करने, गल विच माला भी पौनी, मत्थे ते तिलक भी लाउणा, दो तोतियां भी रखनियां, पूजा पाठ करन वेले सिर ते बस्त्र भी लेना। इह सिर्फ जानकारी है, मता कोई समझे कि मेरे ते साडे ते कटाक्ष नहीं। आख्या लोक इह सब कर्म करदे ने, पर जो जानस ब्रह्म कर्म, जिन्हां नूं ब्रह्म कर्म दी जानकारी हो जांदी है, सब फोकड़ निश्चय कर्म, उन्हां दी विचारधारा विच ये सारे कर्म फोकट हन। फोकट दा मतलब हुंदा है फजूल, जिन्हां दे कीतियां परमेश्वर दी प्राप्ति ना होवे। कहो नानक निश्चो ध्यावे, नानक जी फरमांदे ने जिस नूं ब्रह्म कर्म दी समझ आ गई, वह निश्चय करके उसनूं त्यौंदा है, पर यह समझ बिन सतगुर बाट न पावे। सतगुरु के पावन उपदेश तो बिना यह मार्गदर्शन नहीं होता। इस तो अगे पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज के मुखारविंद तो उचारण किए हुए शब्द हैं। पुरातन संप्रदायी ज्ञानी लिखते हैं, दसते हैं कि जदों गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ रामसर अस्थान ते तैयार कर रहे सन, उस तो पहला गुरु पातशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया, भाई जिस किसे गुरु नानक दे सिख कोल, गुरु प्यारे कोल कोई बाणी का शब्द है, अधूरा पूरा थोड़ा बहुता वह लेके आवे। तो बनारस से रहने वाले उस विद्वान पंडित दे जिसने गुरु नानक पातशाह जी दे दर्शन किए, जिसने गुरु नानक पातशाह तो उपदेश लिया, उन्हां दे पोतरे ये शब्द लेके आए। भावें शब्द गुरु नानक पातशाह जी कोल पहला भी सी, पर जदों वो आए धन गुरु अर्जुन देव पातशाह दे दर्शन किए ते आख्या महाराज सानू भी ये उपदेश करना करो, तो उन्होंने उपदेश करन रूप विच सानू सारिया नू ये उपदेश मिलिया, क्योंकि प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है। तो हुण असी सहस्कृति श्लोकां दा जो पंजवें पातशाह दे मुखारविंद तो उच्चारण किए ने उन्हां दा पाठ आरंभ करते हाँ। सलोक सहस्कृति महला पंजवा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद, कतंच माता कतंच पिता कतंच वनिता विनोद सुता, कतंच भ्रातमीत हित बंधव कतंच मो कुटुंब्यते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अच्युत तन। हुण आरंभक तौर ते ये जानकारी देनी जरूरी है। जदों दासरिया ने बचपन में पाठ करना सिखिया, उदों पत्थर दे छापे दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप सन, उन्हां विच पाठ कतंग च वखरा वखरा सी। फिर लिखती बीणा दे दर्शन होए, उदे विच भी कतंग च पाठ वखरा सी, और फिर पद छेद बीणा लड़ीवार बीणा विच भी ये पाठ कतंग च वखरा वखरा सी कतंग च। पर हुण अजकल पाठियां दी सहूलत लई या विद्वाना दी सहमति नाल इनू कट्ठा कर दिता गया, इसलिए मजबूरी बस असी कट्ठा पाठ कर रहे हैं। अर्थ दा ये है कि है माता दा प्यार, की है पिता दा प्यार, की है स्त्री अते पुत्रां दे कलोल, भाव ये सब टेंपरेरी हैं, ना निभण वाले हैं,
इदा अर्थ ए है, पुरातन विद्वान कतंग जो की है, किथे है, ऐसा अर्थ करया कर दे सन। सहस्कृति श्लोकों में जिथे चार पांच नियम तुहानू दसे ने, इहदे च इक नियम होर नोट करन वाला है। जे तां नाउन पुलिंग एक वचन होवेगा या बहुवचन भी ते अखीर ते हाहा आए, उहदा उचारण करने वाले पासे जाएगा। जे किरिया होएगी वर्ब होएगा, उहदा उचारण लां वाले पासे जाएगा। पर इतनी मेहनत कोई ना करन करके निर्णय करना कठिन हो जाता है। तो दासरे दा यतन है कि क्योंकि संगतां बहुत प्रेम नाल पाठ सुन रही ने, सेध लै रही ने, इसलिए इस नुक्ते नूं भी ध्यान विच रखना जरूरी है। एक बारी फिर आरंभ तो पाठ करते हाँ। सलोक सहस्कृति महला पंजवां, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद, कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुता, कतंच भ्रात मीत हित बंधव कतंच मो कुटुंब्यते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत, रहंत संग भगवान सिमरण नानक लब्ध्यं अच्युत तना, त्रिघंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवा, त्रिग स्नेहं बनता बिलास सुता, त्रिग स्नेहं गिरहार्थ का साध संग स्नेहं सत्यं सुख्यं बसंत नानका, मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं वर्धंत जरुआ हित्यंत माया, अत्यंत आशा अतिथ्य भमनं गनंत स्वासा भयान धर्मं, पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तत् आश्रयं नानक, गोविंद 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 गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं, लेपन रक्त चरमण नवंत द्वारं भीतरैतं बाह्य रूपं स्तंभना, गोविंद नामं ना सिमरं अज्ञानी जानंत अस्थिरं, दुर्लभ दे उदरहंत साध शरण नानक, हर 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 हरे जपंत, शुभंत तुवं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला, गंभीरं ऊचै सर्वग अपारा भृत्याप्रियं विश्राम चरणं, अनाथ नाथे नानक शरणं, मृगी पेखंत बद्धिक परहारेण लख आवदा, आहो जस्यर खेण गोपाला नानक, रोम न छेद्यते बहु जतन करता बलवंत कारी, सेवंत सूरा चतुर दिशा बिखमथान बसंत ऊंचा, ना सिमरंत मरण कदांच, होवंत आज्ञा भगवान पुरखा नानक, कीटी सास अकरखते शब्दं रतं हितं मया, कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रागत भर्म मोहं, भगवान रमण सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं, बसंत सादरसना, हर 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 हरे नानक प्रियंग जाप जपना, घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रवसस्यर नक्षत्र गगनं, कटंत वसुदा गिरतर शिखंडं कटंत ललना सुतभ्रात हीतं, कटंत कनिक मानिक माया स्वरूपं,
न घटन केवल गोपाल अच्युत अस्थिरं नानक साधजन न विलंब धर्मं विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किलभिखनासं प्राप्तं धर्म लक्ष्यण नानक जे सुप्रसन्न माधवा मृत मोहं अल्प बुद्धिं रचंत भनिता विनोद साहं जौबन बहक्रम कनक कुंडला बचित्र मंदर सुभंत वस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक भो भगवान ए नमा जन्मं तमरणं हरखं तसोगं भोगं तरोगं ऊचं तनीचं नाना सुमूचं राजं तमानं अवमानं तहीनं परवृत मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेन अस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं कृपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बिगसीध बुद्धा कुशलथानं बस्यंतरिक्षं त्यागमानं शीतलं तरिद्यं दृढ़संत ज्ञानं रहंत जन्मं हरदर्शलीणा बाजंत नानक शब्द वीणा कहंत वेदा गुणंत गुनिया सुणंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जाचंत नानक दैनहार गुरु गोपाला ना चिंता मात पित भ्राता ना चिंता कछ लोक का ना चिंता बनिता सुतमीता परवृत माया सनबंदन दयाल एक भगवान पुरखा नानक सर्व जी प्रतपाल का अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकार अनित्य हेतं अहंग बंदं परम माया मलनं विकारं फिरंत जोन अनेक जठरागन नासिमरंत मलीन बुद्धिं हे गोविंद करत मया नानक पतति उदाहरण साध संगम गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दीप्य वैश्वांतर बहंत अगाह तो अंतरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरण अनिक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्तंभं 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 शब्द साध स्वजन कोर दुख्यं अनक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ भस्मं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशन गुण रमंत अग खंडन हृद बसंत भय भीत दूता कर्म करत महानिर्मला जन्म मरण रहंत श्रोता सुख समूह अमोग दर्शन शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत पाछं करोत अग्रणी निरासं आस पूर्ण निर्धन भयं धनवंता रोगियं रोग खंडन भक्त्यं भक्तदानं राम नाम गुण कीर्तना पार ब्रह्म पुरुख दातारा नानक गुर सेवा किंग न लभ्यते अधरंग धरंग धारण निर्धन धन नाम नरहरा अनाथ नाथ गोविंदा बलहीन बल केशवा सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दामोदरा सर्वज्ञ पूर्ण पुरुख भगवाना भगत वत्सल करुणामया
घट घट बसंत वासुदेवा पार ब्रह्म परमेश्वरा जाचंत नानक कृपाल प्रसाद ना विसरंत नारायण ना समर्थं न सेवकं न प्रीत परम पुरुषोत्तम तब प्रसाद सिमरते नाम नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम छादन देवंत दान सृजंत रतन जन्म चतुर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित्य रचना निर्मोह ते दानं परापूर्वेण पुचन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मारत लोका नानक चिरंकाल दुख भोगते वृथा अनुग्रं गोविंदा जस सिमरन रिदंतर आरोग्यं महारोग्यं विस्मृते करुणामया रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं दे धारण अमृत नाम नारायण नानक पीबतं संत न तृप्यते सहनशील संतं समित्रस्य दुर्जन नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवद होय उपतिष्ठते तिरस्कार न भवंत मान भंगन शोभाहीन न भवंत न पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संगा नानक से प्राणी सुख बासन सेना साध समूह सूर अजितं सनाहं तन्निमरता आवदा गुण गोविंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ते अश्वरथ नागा बुझंते प्रभ मार्गा विचरते निर्भयं शत्रु सेना धायंते गोपाल कीर्तना जितते विश्व संसारा नानक वश्यं करोत पंच तस्करा मृग तृष्णा गंधर्व नग्रं द्रुम छाया रच दुर्मते तथा कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नामा नच विद्या निधान निगमं नच गुणज्ञ नाम कीर्तन नच राग रतन कंठं न चंचल चतुर चातुरा भाग उद्यम लब्ध्यंग माया नानक साध संग खल पंडता कंठ रमणी राम राम माला हस्त उच्च प्रेम धारणी जीही भण जो उत्तम श्लोक उदरणंग नैन नंदनी गुरमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिघंत जन्म भ्रष्टण कुकरा शुकरा गर्धवा काका सर्पना तुलखला चरणारविंद भजन हृदयंग नाम धारण कीर्तन साध संगेन नानक ना दृष्टंत जमदूतन नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन नच दुर्लभं भोजन व्यंजन नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरा नच दुर्लभं सोत मित्र भ्रात बांधव नच दुर्लभं भनिता बिलासा नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचला दुर्लभं एक भगवान नामा नान लब्ध्यं साध संग कृपा प्रभं जात कता तता दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोका सर्वत्र रमणं गोविंदा नानक लेप छेप न लिप्यते बिखया भयंत अमृतं
दृष्टा सखा स्वजन दुखं भयंत सुख्यं भयभीतं तनिर्भया थान बिहून विश्राम नामक नानक कृपाल हर हर गुरा सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन सर्वकर्तव ममंकर्ता नानक लेप क्षेप न लिप्यते न शीतलंग चंद्रदेव न शीतलंग भावन चंदना न शीतलंग शीत रुतेन नानक शीतलंग साध स्वजन मंत्रंग राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण दयालं सर्वत्र जिया पंचदोक विवर्जित भोजनं गोपाल कीर्तन अल्प माया जल कमल रहत उपदेशं सामित्र शत्रा भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुका खट लखण पूर्णं पुरखा नानक नाम साध स्वजना अजा भोगंत कंद मूलं बसंते समीप के हरा तत्रगते संसारा नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं अप्राधं किल विखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापितं मृत्यु जन्म भ्रमंत नरका अनेक उपावं सिद्ध्यते निर्मलं साध संगा जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित्प्रता तरण शरण स्वामी रमन सील परमेश्वरा करण कारण समर्था दान देद प्रपूरणा निरास आस करण सगल अर्थ आल्य गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचिक दुर्गम स्थान सुगमं महादूक सर्व सुखण दुर्वचन भेद भरमं साकत पिसनं तसुरजन अस्तितं सोग हरखं भय खीणं तनिर्भवा भय अटवियं महानगर बासं धर्म लख्यं प्रभ मया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्राम अत बलना भवमर्दन गण गंधर्व देव मानुख्यं पस पंखी विमोहन हर कर्ण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरा हे कामं नरक विसरामं बौजोनी भरमावण चित हरणं त्रैलोक गमयं जाप तप शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण तब भय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपर्जते विख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत जथा मर्कटा अनेक शासन ताड़ंत जमदूता ताव संगे अदमंगनरा दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखया करोत हे लोभा लंपट संग सिर मोरा अनक लहरी कलोलते धावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बौडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तब लज्जया अकरणं करोत अखाद्य खाद्यं असाद्यं साज समज्ञा
त्राह त्राह शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नरहरा। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रुं दृढ़ंत अनेक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बव भोगण ब्रह्म भयान उदयान रमण महाबिकट साधरोगण वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। हे प्राणनाथ गोविंदा कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाला दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवा शरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन साध संगेण तरणं नानक महासागर भय दुत्तरा सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वरा आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरा सर्व रखिया गुरदयाला भय दुख बिनाशने भगत वत्सल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुता। जैन कला धार्यो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जैन कला सास सूर निखेत्र ज्योत्यं सासं शरीर धारणं जैन कला मात गर्भ प्रतपालं ना छिदंत जठर रोगण तेन कला अस्तंभं सरोवरं नानक ना छिजंत तरंग तोयण। गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवण लब्धिं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तण। मस्कंग भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलका सागरंग लघंत पिंगं तम प्रकाश अंध का साध संघेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। तिलकहीणं जथा विप्रा अमरहीणं जथा राजन आवधहीणं जथा सूरा नानक तरमहीणं तथा वैष्णवा। ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना श्यामं आश्चर्य रूपं राहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंदा। बसंत साधरिद्यं अचुत बुझंत नानक बड़भागीय उद्यान बसनं संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरा विखम स्थान मन मोह मद्रिं महा असाध पंच तस्करा। हीत मो पै परम ब्रह्मणं अंग फांस तीक्षण कठिन पावक तोहे असाध घोरं अगम तीर्ण लंघन पाज साध संग उपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा। कृपा करंत गोविंद गोपाला सगलिं रोग खंडन साध संगेन गुण रमत नानक शरण पूरन परमेश्वरा। श्यामलं मधुर मानुख्यं हृदिंग भूम वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजन अचेत मूढ़ा ना जानंत घटंत साता नित प्रत्य छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासते रचंत पुरखा कुटुंब लीला अनित्य आशा बिखया विनोद परमंत परमंत बहु जन्म हारे हो
शरण नान करुणामय, हे जेबे हे रसगे मधुर प्रिय तुवंग, सत हतंग परम बादंग अवर्त एथा सुद अशरण, गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग, बलवंत बलात् कारण चरण कमल न पजंत तृण समान त्रिग जनमन, हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन तुवंग धने, नानक अनेक बार नमो नमा तृण तमेरंग सैकंग तरियंग बूटंग तरियंग ऊणंग तभरियंग, अंधकार कोट सूर उजारंग बिनवंत नानक हर गुरदयारंग, ब्राह्मणा संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूरण, आत्मरतंग संसार गंग ते नर नानक निफल, पर दर्व हिरणंग बहुविघन करणंग उचरणंग सर्वजीयक, लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर्त से सुकरा, मते समेव चरणं उदरणं बहदुत्तर, अनेक पातिक हरणं नानक साध संगम न संशय।